तो दोस्तों आज की हमारी मूवी का नाम है फॉल। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम बिकी, डैन और हंटर होते हैं। डैन और बिकी हस्बैंड वाइफ होते हैं और इन तीनों को रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद होता है। एक दिन ये तीनों बहुत ऊंचे पहाड़ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तभी डैन अपनी सेफ्टी हुक लगाने के लिए एक छेद में हाथ डालता है, लेकिन उस छेद में से एक पंछी बाहर निकलता है जिससे डरकर डैन का हाथ पहाड़ से स्लिप हो जाता है और वो नीचे हवा में लटक जाता है। बिकी और हंटर भी उसे देखकर डर जाती हैं और उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी डैन की लास्ट वाली सेफ्टी हुक भी पहाड़ से स्लिप हो जाती है जिससे डैन कई सौ फीट नीचे गिरकर मर जाता है। डैन मूवी का सीन चेंज होता है और हमें एक साल बाद दिखाया जाता है। बिकी अभी भी उस हादसे को भुला नहीं पाई थी, वो हर पल डैन को याद करती है। उसने डैन की अस्थियां भी अभी तक अपने पास संभाल कर रखी हुई थी जिस कारण वो अपने डैड का फोन भी नहीं उठाती। एक दिन उसके डैड बिकी से बात करने की कोशिश करते हैं कि उसे डैन को भुलाकर आगे की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बिकी के डैड को लगता था कि डैन इतना भी अच्छा लड़का नहीं था जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी रोती रहे। लेकिन बिकी अपने डैड की कोई बात नहीं सुनती और उनको खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बिकी के पास उसकी दोस्त हंटर आती है। हंटर बिकी को बताती है कि यहां से 6 घंटे की दूरी पर डेजर्ट के बीचों बीच एक B-67 नाम का टीवी टावर है जो काफी समय से बंद पड़ा है। उसकी ऊंचाई 2000 फीट है। हंटर इस पर चढ़ने की बात करती है और वो बिकी को भी साथ चलने के लिए कहती है और बिकी को कहती है कि तुम डैन की अस्थियां भी वहां पर छोड़ सकती हो, लेकिन बिकी वहां जाने से मना कर देती है। पर अगले दिन सुबह बिकी जाने के लिए मान जाती है और ये दोनों चल पड़ती हैं और ये रास्ते में एक होटल में रुकती हैं। टावर वहां से थोड़ी ही दूरी पर था। दोनों होटल में बैठकर उस टावर के ऊपर लगी रेड लाइट को देखती हैं, जो इसलिए लगाई जाती है ताकि ऊपर उड़ रहे एरोप्लेन उससे ना टकरा जाए। तभी बिकी देखती है कि उसके फोन की बैटरी डाउन है, तो हंटर उसे एक ट्रिक बताती है। वो पास पड़े लैंप का बल्ब उतारती है और उसके होल्डर में चार्ज को घुसा देती है जिससे फोन चार्ज होने लग जाता है और रात को ये दोनों यहीं पर रुकती हैं। यहां पर रात को बिकी को डैन का सपना भी आता है। बिकी जब भी डैन को आई लव यू बोलती थी तो डैन उसे आई लव यू की 143 कहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों टावर पर चढ़ने के लिए यहाँ से चल पड़ती हैं। हंटर गाड़ी में बैठते ही वीडियो बनाना शुरू कर देती है और गाड़ी चलाने लगती है। वीडियो बनाने के चक्कर में इन दोनों की टक्कर एक ट्रक से होते होते बचती है। यहाँ पर ये दोनों मरते मरते बचती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ये टावर के पास पहुँच जाती हैं, लेकिन टावर के आसपास एक सेफ्टी बाउंड्री लगी हुई थी जिसे कि लॉक किया गया था, जिस कारण ये अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही आगे चल पड़ती हैं। तभी ये दो गिरदों को एक हिरण को खाते हुए देखती हैं, जबकि वो हिरण अभी जिंदा था। बिकी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन हंटर उसे कहती है कि ये कुदरत का नियम है, जो ताकतवर होता है वही जिंदा रहता है। अगर तुम भी इस गिरदों की तरह यहाँ पर भूखी मर रही होती तो तुम भी यही करती। और हंटर उस हिरण की फोटो खींचकर अपने इंस्टाग्राम पर भी डाल देती है। डैन ये दोनों टावर के बिल्कुल सामने पहुंच जाती हैं। ये टावर वाकई में बहुत खतरनाक होता है और इस टावर की ऊंचाई देखकर बिकी भी डर जाती है और ये जाने से मना करती है, लेकिन हंटर उसे मना लेती है और फिर ये दोनों टावर पर चढ़ना शुरू कर देती हैं। पुराना होने के कारण इस टावर पर जंग लगी हुई थी और इसकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी, जिस कारण ये टावर बहुत आवाज कर रहा था। एक बार तो एक सीढ़ी टूटकर बिकी के हाथ में ही आ जाती है, लेकिन हंटर उसे इग्नोर कर ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। ये दोनों एक दूसरे से एक रस्सी के जरिए बंधी हुई थी ताकि अगर कोई एक गिर भी जाए तो दूसरी उसे बचा सके। कुछ दूरी पर आकर ये दोनों रुक जाती हैं और पानी पीती हैं। अब ये एफिल टावर जितनी हाइट पर आ चुकी थी और थोड़ी देर रुकने के बाद ये दोनों फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं और कुछ देर बाद ये दोनों टावर के 1800 फीट तक पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस होता है। 1800 फीट तक तो टावर थोड़ा वाइड था और उसके सीढ़ियां भी अंदर से थी, लेकिन जो ऊपर का 200 फीट था वो थोड़ा पतला और उसकी सीढ़ियां भी बाहर से थी। अब ये दोनों ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बिकी को डर लग रहा था, लेकिन हंटर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे चल रही थी और रास्ते में ही दो डिश एंटीना भी आते हैं। ये दोनों बहुत मुश्किल से उसे पार कर लेती हैं। हंटर आगे होने के कारण टावर के टॉप पर पहले पहुंचती है और यहाँ पर हवा भी बहुत तेज चल रही थी, जिस कारण काफी हलचल होने के कारण सीढ़ियों के कुछ स्क्रू निकलकर नीचे गिर गए थे, जिस पर इन दोनों का ध्यान नहीं जाता और फाइनली ये दोनों 2000 फीट ऊंचे इस टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं और ये दोनों यहाँ से बहुत दूर तक देख पा रही थी और ये दोनों बहुत खुश होती हैं। अब ये यहाँ पर अपनी सेल्फीज क्लिक करती हैं। हंटर अपने साथ एक ड्रोन भी लेकर आई थी जिसे वो अपनी वीडियो बनाती है। हंटर टावर से एक हाथ से लटक कर अपनी फोटो क्लिक करने को कहती है तो बिकी डरते डरते उसकी फोटो क्लिक कर देती है। हंटर ऊपर आ जाती है और बिकी को भी ऐसा करने के लिए कहती
लेती है। बिगी ना चाहते हुए भी हंटर की बात मान लेती है और हंटर उसे अपने हाथ से नीचे लटकाकर उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और वापस उसे ऊपर खींच लेती है। ये दोनों बहुत खुश होती हैं और अब बिगी डैन की अस्थियां भी यहाँ पर हवा में उड़ा देती है और ये दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बिकी से ज्यादा तो हंटर रो रही थी और अब ये दोनों यहाँ से वापस जाने की तैयारी करती हैं। बिकी बैग टांग लेती है और यहाँ से पहले नीचे उतरने लगती है। वो जैसे ही दूसरी वाली सीढ़ी पर पहुँचती है तो सीढ़ी के स्क्रू निकल कर गिर जाते हैं, जिससे सीढ़ी टावर से अलग हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ये सब ऊपर से हंटर भी देख लेती है और वो टावर के पोल को कसकर पकड़ लेती है, जिस कारण बिकी हवा में लटक जाती है और बच जाती है। लेकिन इन सब में बिकी का बैग नीचे लगे डिश एंटीना पर जा गिरा था, जिससे बिकी बहुत डर जाती है और नीचे की ऑलमोस्ट 200 फीट तक की सीढ़ियां नीचे गिर चुकी थी। ऊपर हंटर अपनी पूरी जान लगाकर किसी तरह से बिकी को ऊपर खींच लेती है। ऊपर पहुंचकर बिकी बहुत खुश होती है और पागलों की तरह हंसने लग जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जान बच चुकी है। लेकिन जब वो नीचे देखती हैं तो इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब 2000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण इन दोनों के फोन के सिग्नल भी उड़ चुके थे। तभी इनकी नजर टावर के पोल पर लगे एक बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें से एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। तभी हंटर की नजर बिकी की लेग पर जाती है, जहाँ पर एक कट लगा हुआ था जो नीचे गिरने की वजह से लगा था। तो हंटर अपनी शर्ट उतार कर बिकी की लेग पर बांध देती है। हंटर को लगता है कि इतनी सीढ़ियां ऊपर से नीचे गिरी हैं, तो इतनी आवाज हुई होगी तो कोई ना कोई तो उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाएगा। और अब ये दोनों यहाँ पर बैठकर मदद का इंतजार करती हैं कि कोई इन्हें बचाने आएगा। तभी बिकी हंटर का वीडियो बनाते हुए उससे पूछती है कि तुमने अपने ब्लॉग्स बनाने क्यों शुरू किए। तो हंटर बिकी को बताती है कि डैन की मौत के बाद अब मुझे ये जिंदगी बहुत छोटी लगने लगी है, इस कारण वो अपने सारे सपने पूरे करती है और उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। कुछ घंटों बाद हंटर को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपने फोन को नीचे लटका दें, तो हो सकता है कि शायद सिग्नल आ जाए। हंटर बिकी को कहती है कि मेरे 60,000 से भी ज्यादा फॉलोअर हैं, तो कोई ना कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। तो हंटर अपने इंस्टाग्राम पर हेल्प का एक बड़ा सा मैसेज लिखकर फोन को 50 फीट नीचे लटका देती है, लेकिन उन्हें पोस्ट अपलोड होने का साउंड नहीं आता, जिस वजह से हंटर टावर से कुछ नीचे उतरकर देखती है कि शायद नेटवर्क आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता और वो फिर टावर के ऊपर चली जाती है। और तभी बिकी हंटर को कहती है कि क्यों ना हम अपने फोन को किसी तरह नीचे पहुंचा दें, और नीचे जाकर तो नेटवर्क आ ही जाएगा। जिसके लिए हंटर अपना एक जूता निकालती है और उसमें अपने फोन को रखकर अपनी सॉक्स और अपने कुछ कपड़े डाल देती है, ताकि फोन नीचे गिरकर टूटे ना, और फिर जूते को नीचे फेंक देती है और इंतजार करने लगती है कि कोई उनकी हेल्प के लिए आएगा। लेकिन फोन तो नीचे गिरकर टूट चुका था। कुछ देर बाद बिकी देखती है कि हंटर ने जिस पैर से जूता निकाला था उस पर एक टैटू बना हुआ था, जो कि 143 लिखा हुआ था। लेकिन तभी इनकी नजर नीचे एक आदमी पर जाती है। वो उस आदमी को बुलाने के लिए बहुत चिल्लाती हैं, लेकिन उस आदमी तक इनकी आवाज नहीं पहुंचती। तभी बिकी उस आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपने जूते निकालकर फेंक देती है। वो आदमी वापस मुड़कर जूता उठा तो लेता है, लेकिन वो ऊपर नहीं देखता और जूता वहीं गिराकर चला जाता है। और अब बिकी वहां पर फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि अब दिन में उसे फ्लेयर गन दिखाई नहीं देगी। और फिर वो आदमी अपनी पास खड़ी गाड़ी के पास चला जाता है, जहाँ पर उसका एक और दोस्त भी होता है और ये दोनों यहाँ पर पार्टी करने आए थे। बिकी और हंटर दोनों फ्लेयर गन चलाने के लिए अंधेरे होने का वेट करने लगती हैं और बिकी अपने फोन में अपनी मैरिज की वीडियो देखने लग जाती है, जिसमें वो देखती है कि शादी वाले दिन हंटर खुश नहीं थी। अब अंधेरा होने के कारण वो वहाँ पर फ्लेयर गन चला देती हैं और इस फ्लेयर गन को वहाँ पर पार्टी करने आए दोनों आदमी देख लेते हैं और अपनी कार को हंटर की कार के पास ले आते हैं। हंटर और बिकी को लगता है कि अब इन दोनों की जान बच जाएगी और ये खुश होने लगती हैं। लेकिन वो दोनों आदमी हंटर की कार का कांच तोड़कर उसकी गाड़ी चोरी कर यहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत दुखी होती हैं। और अब रात भी हो चुकी थी और इन दोनों को नींद भी आने लग जाती है। रात को नींद के कारण हंटर टावर से गिरते गिरते बचती है, क्योंकि टावर पर बहुत कम जगह होती है। अब फाइनली बिकी हंटर से पूछ ही लेती है कि तुम्हारा डैन के साथ क्या चक्कर चल रहा था। तो हंटर उसे बताती है कि उसका डैन के साथ अफेयर चल रहा था और इसकी शुरुआत डैन ने ही की थी जब वो एक पार्टी में गए थे। हंटर बिकी से इस बात के लिए बहुत माफी मांगती है। बिकी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में वो कर भी क्या सकती थी। अगली सुबह बिकी हंटर को कहती है कि अगर हमारे पास तुम्हारा ड्रोन होता तो कुछ हेल्प हो सकती थी। तो हंटर नीचे जाकर वो बैग लाने का फैसला करती है और रस्सी के जरिए नीचे उतरना शुरू कर देती है। नीचे जाकर वो देखती है कि उतरने के लिए रस्सी कम पड़ रही है, जिस कारण हंटर अपने आप को रस्सी से अलग कर लेती है और रस्सी से लटक जाती है और झटके से वो डिश एंटीना पर कूद जाती है। हंटर को बैग तो मिल गया था, लेकिन वापस जाने के लिए रस्सी उससे बहुत दूर थी। हंटर बैग में से अपनी सेल्फी स्टिक निकालती है और उसके
उसके जरिए बैग को अपनी रस्सी पर फंसा देती है और फिर कूद कर बैग को पकड़ लेती है और फिर बिकी को कहती है कि वो रस्सी को ऊपर खींचे। फिर हंटर खुद भी रस्सी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। वो टावर के बिल्कुल ऊपर आकर टावर की एंगल को पकड़ने लगती है जिससे उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। बिकी डरते डरते नीचे देखती है और चैन की सांस लेती है क्योंकि हंटर अभी जिंदा थी। बिकी अपनी पूरी जान लगाकर धीरे धीरे रस्सी को ऊपर खींचना शुरू कर देती है और हंटर को ऊपर खींच लेती है और फिर बैग में से पानी निकालकर पानी पीती है। फिर वो एक पेपर पर हेल्प का मैसेज लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और फिर उस ड्रोन को उड़ाकर पास वाले होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है ताकि वहां पर कोई ना कोई तो ये मैसेज देखकर हमारी मदद करेगा। लेकिन रास्ते में ही ड्रोन की बैटरी डाउन हो जाती है और ड्रोन के होटल तक पहुंचने के बहुत कम चांसेस थे, जिस वजह से विकी ड्रोन को वापस टावर पर ही ले आती है। और रात को विकी को सपना आता है कि हंटर पर किसी गिर्द ने हमला कर दिया है और वो उसे खा रहे हैं। तभी उसकी आंख खुलती है तो ऐसा कुछ नहीं था, हंटर उसके पास बैठी थी। विकी अपने ऊपर चल रही टावर की रेड लाइट को देखती है और वो हंटर के बताए हुए तरीके से अपने ड्रोन को चार्ज करने का सोचती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो ड्रोन को चार्ज करने के लिए ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर जाकर वो लाइट का बल्ब निकाल देती है और उसमें अपने ड्रोन का चार्ज घुसा देती है। पर चार्ज सॉकेट तक नहीं पहुंच पा रहा था जिस कारण विकी अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर उसमें डाल देती है और चार्ज काम करने लगता है और ड्रोन की बैटरी चार्ज होने लग जाती है। अब ड्रोन को फुल चार्ज करने के लिए विकी यहाँ पर कई घंटे लटकी रहती है। इस बीच एक गिर्द उस पर हमला भी करता है लेकिन विकी किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है। ड्रोन को फुल चार्ज कर विकी नीचे आ जाती है और कुछ समय वेट करती है। यहाँ पर विकी सोचती है कि उसके डैड डैन के बारे में बिल्कुल सही बोलते थे कि डैन एक अच्छा लड़का नहीं है। और फिर थोड़े टाइम बाद ये ड्रोन को होटल की तरफ भेजने लगती है। ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी वहां से एक ट्रक ड्रोन को टक्कर मार देता है और ड्रोन वहीं पर टूटकर रोड पर गिर जाता है, जिसे देखकर विकी रोने लगती है। अब इनको यहाँ पर तीसरी रात होने को आई थी। विकी देखती है कि दूसरी तरफ से एक तूफान भी इनकी तरफ आ रहा है लेकिन अब ये यहाँ पर सो भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर ये यहाँ पर रात को सोई तो गिर्द आकर इन पर हमला कर सकते हैं। तभी हंटर विकी को कहती है कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए वरना तुम भूखी मर जाओगी। लेकिन विकी हंटर से कहती है कि अब मैं अपने मोबाइल को भी नीचे भेजकर देखती हूँ और इस बार हम मोबाइल को अच्छी तरह से कवर कर भेजेंगे ताकि ये नीचे गिरकर टूटे ना, जिसके लिए वो हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है। लेकिन हंटर उसे साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो नीचे हूँ। तो दोस्तों अब कहानी में यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है क्योंकि जब कल हंटर का हाथ फिसला था तो हंटर नीचे जाकर डिश एंटीना पर गिरी थी जिससे उसके सर पर चोट लगी थी और खून निकलने के कारण वो वहीं मर गई थी और बिकी ने सिर्फ बैग को ही ऊपर खींचा था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम हो जाने की वजह से बिकी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और बिकी के दिमाग में इल्यूजंस बनने शुरू हो गए थे। उसे लगता है कि हंटर उसके साथ थी जबकि बिकी अकेले ही टावर के ऊपर चार्ज करने चढ़ी थी और अकेले ही अपने ड्रोन को होटल में भेज रही थी और हंटर मर चुकी थी। अब बिकी रियलिटी को देखकर रोने लगती है और इतने में ही रात हो जाती है। बिकी ने जो तूफान अपनी ओर आते देखा था अब वो तूफान भी आ जाता है जिसे पूरा टावर हिलने लग जाता है। बिकी किसी तरह से पोल को पकड़कर अपने आप को बचाती है और दूसरी तरफ बिकी का फादर बिकी को फोन कर परेशान हो रहा था। बिकी अपने फादर से माफी मांगते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है और अगली सुबह बिकी बेहोश हो चुकी थी और उसे ऐसा देखकर एक गिर्द उसे खाने चला आता है और उसकी टांग को नोचकर खाने लगता है। लेकिन तभी बिकी गिर्द को गर्दन से पकड़ लेती है और उसे पटक पटक कर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है और मजबूरी में उसे अपनी जान बचाने के लिए गिर्द को खाना पड़ता है जिससे वो थोड़ा बेहतर महसूस करती है और फिर वो डिसाइड करती है कि फोन को किसी भी तरीके से नीचे भेजना ही होगा और वो फोन को नीचे भेजने के लिए हंटर के जूते का इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए वो रस्सी के जरिए हंटर की लाश तक पहुंच जाती है जिसे कि गिर्द खा रहे थे। बिकी पहले तो उन गिर्दों को वहां से भगाती है और फिर अपने फोन से अपने डैड को हेल्प का मैसेज करती है जो सिग्नल मिलते ही डिलीवर हो जाएगा। बिकी हंटर का जूता निकालकर उसमें अपना फोन डाल देती है और फिर हंटर को सॉरी बोलकर उसके पेट में जूता घुसा देती है जहां से उसे गिर्द खा रहे थे क्योंकि फोन बॉडी में होने के कारण फोन नीचे जाकर नहीं टूटेगा। और इसके बाद बिकी हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है और डिश एंटीना पर बैठकर इंतजार करने लगती है। आखिरकार वो मैसेज बिकी के डैड के पास पहुंच जाता है। वो तुरंत 911 पर कॉल कर हेल्प भेज देते हैं और वो खुद भी टावर की ओर आने लगते हैं। जब वो यहां आकर टावर के पास पड़ी एक लाश को देखते हैं तो रोने लगते हैं लेकिन असल में वो लाश हंटर की थी और बिकी को बिल्कुल सही सलामत नीचे उतार लिया गया था। तभी बिकी पीछे से दौड़कर अपने डैड को गले लगाती है और उनसे माफी मांगती है और उन्हें कहती है कि वो हमेशा उनकी बात मानेगी। और मूवी के लास्ट में हमें हंटर के वही डायलॉग सुनने को मिलते हैं।
जिंदगी बहुत छोटी है, अपनी जिंदगी का हर पल जियो, कुछ ऐसा करो जो आपको महसूस कराए कि आप जिंदा हो। और यहीं पर मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी फॉल मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।